तो 17 फरवरी 2012 को तय वक्त के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप था। दोषियों को 6 महीने तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। तो ये बड़ी खबर 2012 का मामला था। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रीता को और 5 अन्य लोगों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। तो बड़ी खबर 17 फरवरी 2012 को तय वक्त के बाद भी चुनाव प्रचार करने का इन पर आरोप है। दोषियों को 6 महीने तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। ये बड़ी खबर भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी से जुड़ी हुई आपके सामने। दोषी करार दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रीता समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है जिसमें दोषी ठहराए गए हैं। 17 फरवरी 2012 का ये मामला, तय वक्त के बाद भी चुनाव प्रचार करने का इन पर आरोप है और 6 महीने तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में इनको रहना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। विक्रम सैनी को 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा 3 साल से कम थी इसलिए सैनी को कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने वाली चिट्ठी जारी होना बाकी है। एक हफ्ते में यूपी विधानसभा के विधायक की सदस्यता रद्द होने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 28 अक्टूबर को सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन आजम खान को 3 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखकर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले में संज्ञान लेने की मांग की थी। और इसी बीच बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जयंत चौधरी की चिट्ठी का जवाब। मीडिया के जरिए जयंत की चिट्ठी मिली। सतीश महाना ने कहा कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये सतीश महाना ने बात कही है। विक्रम सैनी के मामले में सचिवालय को कार्रवाई के निर्देश दिए। जयंत चौधरी ने सतीश महाना की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि आजम खान की सदस्यता जब रद्द की गई थी उसके बाद जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने पूछा था कि अगर आजम खान पर कार्रवाई हो रही तो फिर आखिर बीजेपी के विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें भी 2 साल की सजा कोर्ट सुना चुका है। और इन सब के बीच अब जवाब दिया है सतीश महाना ने। उन्होंने लिखा कहे कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने मेरी कोई भूमिका नहीं, विक्रम सैनी के मामले में सचिवालय को कार्रवाई के निर्देश दिए। जयंत चौधरी ने सतीश महाना की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। और हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका हम सीधे रुख करते हैं। अनुभव, कार्रवाई तो कर दी गई और सतीश महाना ने जवाब भी दे दिया चिट्ठी के जरिए, लेकिन एक चीज तो स्थापित हो ही गई कि जिस तेजी के साथ आजम खान की सदस्यता गई थी विक्रम सैनी के मामले में देर तो हो ही गई और इसी के बाद जयंत चौधरी को मौका मिला सवाल उठाने का। देखिए, 2 दिन पहले जिस तरीके से जयंत चौधरी ने पत्र लिखा था, खासतौर से विक्रम सैनी के मामले को लेकर, और सवाल खड़े किए थे, सवाल पूछा था विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पत्र लिखकर जवाब दिया है, या हम कहें कि एक तरीके से पलटवार किया है जयंत चौधरी पर। साफ तौर से पत्र जो है, उस कॉपी हमारे पास है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जयंत चौधरी ने जो पत्र भेजा वो उनको भेजा नहीं, वो तो मीडिया के माध्यम से उनके पास पहुँचाया गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि जयंत चौधरी को जिस तरीके से उन्होंने निष्पक्षता की बात की है, भिन्न भिन्न फैसले लेने की बात की है, उसमें सही स्थिति पहले जयंत चौधरी को ज्ञात कर लेनी चाहिए थी और उसके बाद इस तरीके से पत्र लिखना चाहिए था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, लॉकडाउन। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण की वजह से नोएडा और दिल्ली एनसीआर में घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और तो और, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए अगले मंगलवार तक ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा आदेश दिया गया है कि वही जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जाए। दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो गया है, जिसके मद्देनजर ग्रैब की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। यानी शहर में दिल्ली एनसीआर में चार पहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही एनसीआर में स्वच्छ ईंधन पर न चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालत यह है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं, जहां हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी गंभीर चिंताजनक हालत में है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद के वसुंधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 रहा, तो गाजियाबाद के लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 था। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड किया गया, तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 था। यूपी में सबसे खराब स्थिति नोएडा शहर की रही, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होने पर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना मानो सिगरेट पीने के बराबर है, जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। शहर शहर दमघोटू जहर के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। फतेहपुर में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। ताका पीटकर ये शख्स मुनादी कर रहा है, आगाह कर रहा है उस जहर से बचाव के लिए जो हवा में फैल रहा है। फतेहपुर में धान की फसल किसानों द्वारा खेत से काटने के बाद पराली जलाने की बढ़ रही घटना को लेकर डीएम ने जिला निगरानी समिति बनाकर टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही गांव में मुनादी कराकर खेत में पराली न जलाने की किसानों से अपील की जा रही है। पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। हाँ भैया, सभी ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने खेतों का पैरा आग न लगाएं। आग लगाते हैं तो आपको साथ आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हर गाँव में जाकर गठित टीम किसानों को जागरूक कर रही है कि वो अपने खेतों में पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से खेत की पैदावार क्षमता खत्म हो जाती है। फसलों के अवशेष जलाए जाने से प्रदूषण बढ़ता है और इसके रोकथाम को लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। अपने अपने खेतों का पैरा आग न लगाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लगातार बढ़ रहे डेंगू के कहर की। उत्तर प्रदेश में डेंगू संकट बढ़ता देख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद हालात को संभालने के लिए मैदान में उतर गए। खुद योगी सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर यूपी के शहरों में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फॉगिंग मशीन वितरित करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए मशीनें मंगा भी ली गई है। रहा था कि संसाधन पर्याप्त नहीं है, डेंगू नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने हर वार्ड को 3-3 मशीनें देके, फॉगिंग मशीन, स्प्रे मशीन देके नगर निगम का और सहयोग किया है। इसके पहले प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त की पेशी हुई। सुनवाई में हाई कोर्ट ने मामले में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो डेंगू को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चिंता भी सरकार की बढ़ रही है। प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है, अब आने वाले वक्त में किस तरीके से एहतियात बरते जाते हैं उस पर लगातार नजर होगी। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर उत्तराखंड का लोक पर्व इगास मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। और देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनिल बलूनी के आवास की, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद, और इगास पर्व मनाया जा रहा है। तो पूरी सांस्कृतिक वेशभूषा में
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से खास ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। इगास बग्वाल पर्व उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड के बाहर भी जो लोग रहते हैं उनको एक साफ तौर से संदेश है कि भले ही वो देश के भीतर रहते हो या फिर विदेशों में रहते हो, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो इस पर्व को जरूर मनाएं, एकजुटता का संदेश दें, लोक संस्कृति को संरक्षित करने का संकल्प लें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की आवाज के बाहर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है, कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगे, उसके बाद जो कार्यक्रम यहाँ पर चलने हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और भी और ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं जी, ये पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात कि अनिल बलूनी ने इस बार ट्वीट करके लोगों से अपील भी की थी, उन्होंने कहा था कि कोई कहीं भी रह रहा हो लेकिन अपने गृह नगर पहुंच करके वो जरूर इगास पर्व मनाए। ऋतु खंडूरी विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर, तमाम बड़े दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। और हर साल जब भी आज का दिन आता है, एकादशी का मौका आता है ठीक दिवाली के 11 दिन के बाद, सभी को ये अपील की जाती है कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इस पर्व को मनाएं, हो सके तो अपने पैतृक आवास जाएं, पैतृक गांव जाएं और वहाँ पर अपनों के बीच में इस पर्व को मनाएं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की आवाज़ की तस्वीर है। लोग लगातार पहुँच रहे हैं, इगास बग्वाल ये पर्व रोशनी का पर्व कहा जाता है और इस पर्व में पारंपरिक वेशभूषा में सभी दिखाई दे रहे हैं आपको, पहाड़ी टोपी और पिछोड़ा लिया हुआ है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अनिल बलूनी की धर्मपत्ती दिखाई दे रही है और साथ में लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी का वेलकम करने के लिए। खुद बाहर मौजूद हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। और सुबह से ही घरों में व्यंजन बनने शुरू हो जाते हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजते हैं और आज के दिन को लेकर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम होते होते ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से हों, उत्तराखंड के बाहर भी किस तरीके से लोग इस तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके अलावा इससे पहले सुभाष चंद्रा को आपने देखा, ऋतु खंडूरी को आपने देखा, वो यहाँ पर पहुंची इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और एक गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इन्हीं का इंतजार यहाँ पर हो रहा था, तमाम दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनकी मौजूदगी इस खास कार्यक्रम में आपने देखा, सभी ने आज के इस पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, खुद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अब शाम होते होते ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको रिसीव करने के लिए बाहर पहुंचे हुए थे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। और भीतर अब सिलसिलेवार तरीके से जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। लोक संस्कृति को बढ़ावा किस तरीके से देना है, यही इस पर्व का मकसद है और साल दर साल और भी भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है, पहली मर्तबा इस बार राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया आज के दिन को लेकर, ताकि सभी अपने घरों में रहकर के धूमधाम से इस पर्व को मना पाए, सरकार की कोशिश। और दिल्ली में भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की आवास की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनिल बलूनी सबसे आगे उन लोगों में रहे हैं जो इस पर्व को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार लोगों से अपील करते आ रहे हैं। हर साल वो इस पर्व को लेकर लोगों से अपील करते हैं कि वो इसको शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें, मनाएं। और भीतर की तस्वीर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक तरफ, कार्यक्रम चल रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, और भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम भी दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के, ना सिर्फ पहाड़ी समुदाय के लोग हों, गढ़वाल के लोग हों, कुमाऊं के लोग हों, उत्तराखंड के लोग हों या फिर अलग अलग हिस्सों के लोग भी इस पर्व में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं।
उत्तराखंड के लोगों के साथ में। ये तस्वीर आपके सामने है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की आवाज़ की। इगास बग्वाल ये पर्व, बूढ़ी दिवाली जिसको कहा जाता है कुमाऊं में और गढ़वाल में इगास बग्वाल के नाम से पर्व मनाया जाता है। लगातार गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला जारी है और बाहर मौजूदगी है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी। यहाँ पर वो रिसीव कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और फिर सभी मेहमानों को वो अंदर पहुंचा रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड में सीएम आवास की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर सरकार के तमाम मंत्री थिरकते हुए दिखाई दिए वाद्य यंत्रों के धुन में। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थिरकते हुए आपको नजर आ रहे थे। सीएम आवास देहरादून की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये दिल्ली की तस्वीर है। अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद, इनके आवास की तस्वीर जहां पर पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी बड़े दिग्गज। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ेंगे। आपको सीधे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं जहां भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास पर्व मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इगास बग्वाल ये पर्व और ये आवास राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का है जहां पर कार्यक्रम रखा गया है आज के इस पर्व को लेकर और यहां पर मौजूदगी रक्षा मंत्री की है, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दोनों आपस में बातचीत करते हुए आप देख पा रहे हैं और भी तमाम बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं इस खास पर्व को लेकर, इस खास आयोजन को लेकर। आज के दिन का विशेष महत्व, उत्तराखंड का लोक पर्व है इगास बग्वाल और दिल्ली में भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शरीक हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और उत्तराखंड के बाहर भी जो लोग रहते हैं, इगास के बारे में बता दूं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी नजदीक आ जाएं, जो खास मेहमान यहाँ पर आने हैं सभी अतिथिगण यहाँ पर पहुंच गए। इगास उत्तराखंड का ये पर्व आज दिल्ली में मनाया जा रहा है और इगास पर्व के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे तो उत्तराखंड वासी थोड़ा सा पहाड़ और मैदान के बीच में खाई जरूर है, थोड़ा देरी से उत्तराखंड को सूचना मिली कि अच्छा भगवान राम आ गए, तो 11 दिन बाद ये जानकारी मिली कि भगवान श्री राम लौट आए हैं। तो फिर उत्तराखंड एक बार फिर से रोशन होगा, दीप जलाए गए, भैलो खेला गया। आप यहाँ पर तस्वीर भी देख रहे हैं पीछे, उत्तराखंड में एक परंपरा है। कुछ और कहानियां, कुछ और किंवदंतियां भी हैं। कहा जाता है कि वीर भड़ माधव सिंह भंडारी, भड़ यानी कि वीर, तो वो तिब्बत में युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे। जब युद्ध लड़कर वो नहीं लौटे तो लोगों ने कहा कि दीपावली हम तब मनाएंगे जब वो वापस लौट कर आएंगे, वो जीत कर लौटे तो उसके बाद जश्न मनाया गया। उसके बाद आतिशबाजी खैर तब नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जो है रोशनी से जगमग पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये इलाका हो गया, ये भैलो खेला गया। और इसी मौके पर ये जो बड़ा अच्छा ये अनुभव है कि आप उत्तराखंड से बाहर दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है, इगास पर्व को मनाया जा रहा है। और आज उत्तराखंड में भी होता ये था कि पहाड़ों में कि दीपावली मनाई जाती थी तो लोग पटाखे थोड़े से रख देते हैं अलग से कि अच्छा इगास आने वाली, इगास के दिन इन पटाखों को फोड़ा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बस अब कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति सब अपने मौजूद हैं और आगे के जो है अनिल बलूनी जी। आज हमारे लिए बड़ा ही गर्व का क्षण है कि उत्तराखंड के लोक पर्व के लिए हम लोगों के मध्य देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच में हैं, हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तराखंड के मतलब मिट्टी से आए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी हम लोगों के मध्य हैं, देश के CDS अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी हम लोगों के मध्य हैं और उत्तराखंड के तमाम प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग, पुलिस सेवा से जुड़े लोग, मीडिया के बहुत सारे साथी हम लोगों के मध्य हैं। मेरा आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी से
आदरणीय रक्षा मंत्री जी से, डोभाल साहब से आग्रह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर इगास के दिन गाय माता की पूजा होती है, दीप प्रज्वलन होता है, तुलसी जी की पूजा होती है और अग्नि प्रज्वलित होती है, तो मेरा महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह है, माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह है और सभी हमारे जितने मेहमान हैं उन सबसे आग्रह है कि गाय माता की पूजा और दीप प्रज्वलन करने का आग्रह है। हम लोगों के मध्य तो पूरी जो परंपरा है उसको निभाते हुए आपको अब दिखाई देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इससे पहले अनिल बलूनी को आपने सुना, उन्होंने बताया क्या परंपरा है, धनतरस्तु जिहि पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुंडरीकाक्षः पुनातु, स्वस्ति तिलकम्, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पुपूखा विश्वावे ताः, स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, देहि सौभाग्यमारोग्यम्, देहि मे परमं सुखम्, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि, दीर्घायुस्त ओख देख नीता जस्मै चत्वाख नाम यहम, अधोत वन दीर्घायुर्भूतवा शतवलेशाभिरोहतात, हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमय मंत्राणां पठेयुः, हरिः ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुया मदेवा, भद्रं पश्ये माक्षवीर्याजतराः, स्थिरैरङ्गै तुष्टो वाग्घुसस्तनो बिर्व्यसे, महि देवहि तञ्जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्ति देवाजतरानश्चकरा जरसन् तनो नाम पुतरासो जतरा पितारो भवत्तिमानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः, आदित्रदियौरादितिरन्तारिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्च जन, आदितर्जातमादितर्जनितवम् माद्यौः शान्तिरन् तारिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोघदयः, शान्तिः वनसपतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरेधि जतो यतः, समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः गणानान्तु वा गणपतिगुंहवामहे, प्रियाणान्तु वा प्रियपतिगुंहवामहे, निधीनान्तु वा निधिपतिगुंहवामहे, वसो मम आहमजा निगर्भदमात्वमज, श्रीगर्भदम् अम्बे अम्बिके बालिके नम, नयति कश्चन सशस्य सुमतः, सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, दीपं प्रज्वाल्य ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, भोदेव ब्रह्मरूपस्त्वं अंधकार निवारक, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव, शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा, आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते, च
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत भूर्भुवस्वः दीपस्तदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे। इसे दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है और पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में ये पूरी परंपरा है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसी को निभाया जा रहा है और उसी के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अग्नि की पूजा होती है, उसका भी अपना महत्व है। मवेशियों की पूजा अर्चना की जाती है और इस पूजा में सभी शरीक हो रहे हैं। ये उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व के क्षण है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी है, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है, CDS की मौजूदगी है, साथ में NSC की मौजूदगी यहाँ पर है। तमाम बड़े अधिकारी जो उत्तराखंड से जुड़ाव रखते हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है और ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जो मान्यताएं हैं वो भी बताई जा रही हैं, साथ में उन मान्यताओं को निभा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया गया। और सुधांशु त्रिवेदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, BJP के सांसद हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर और तमाम बड़े दिग्गज जिनकी मौजूदगी है। पौराणिक मान्यताएं, ये कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास खत्म करके वापस अयोध्या लौटे उसकी जानकारी गढ़वाल को 11 दिन के बाद मिली और इसीलिए आज का ये पर्व मनाया जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं और अपने आप में ये बहुत गर्व करने वाले क्षण उत्तराखंड वासियों के लिए, जिस इगास बगवाल को उत्तराखंड के प्रवासी जो बाहर रहते थे वो जानते तक नहीं थे, अब उत्तराखंड से बाहर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाना, जिसमें रक्षा मंत्री की मौजूदगी हो, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी हो, CDS की मौजूदगी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी हो, अपने आप में खास हो जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास की तस्वीर है। यहाँ पर मौजूदगी, तमाम मीडिया जगत के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राजनीतिक जगत के लोगों को आप देख पा रहे हैं और बड़े अधिकारी जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर है और पहाड़ी टोपी आप देख पा रहे होंगे सभी ने पहनी हुई है, इसका भी अपना खास महत्व है। उत्तराखंड से बाहर उत्तराखंड की संस्कृति को इस तरीके से स्थापित करना और मजबूत करना, संरक्षित करना, यही इस पर्व का मकसद है और उस मकसद को पूरा करते हुए ये सभी लोग जिनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है उनको आप देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा NSA अजीत डोभाल, CDS की मौजूदगी, उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी की मौजूदगी यहाँ पर है, जो पूरी परंपरा, संबित पात्रा को भी आप देख पा रहे हैं, जो पूरी परंपरा है उसी परंपरा को निभाते हुए हर एक चीज को फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे, पारंपरिक वेशभूषा में लोग दिखाई दे रहे हैं और इगास बगवाल पर्व ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी। दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है और इस बार अनिल बलूनी ने कोशिश की है, जो राज्यसभा सांसद हैं, मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय, उन्होंने कोशिश की है कि जो लोग उत्तराखंड अपने गांव और घर में नहीं जा सकते उन्हें दिल्ली में मनाने का मौका मिले। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके अपील भी की थी, उन्होंने अपील की थी कि जो लोग दिल्ली में हैं या देश के किसी भी कोने में हैं वो अपने घर पहुंचे, वो अपने परिवार के बीच इगास मनाएं। और इन्हीं कोशिशों के बीच अनिल बलूनी ने भी कोशिश की है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो यहाँ पर अलग अलग भूमिकाओं में हैं, उनको इगास पर्व दिल्ली में ही मनाने का मौका मिले। और सीधी तस्वीर हम आपको अनिल बलूनी के आवास से दिखा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल,
CDS भी मौजूद हैं और देश की प्रतिष्ठित और नामी हस्तियां मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े हर क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई और जो उत्तराखंड की लोक परंपराएं हैं, जो लोक रंग है और इगास को लेकर जिस तरीके से वहां पर आस्था है, उसको उसकी जीवंत तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपावली के 11वें दिन इगास पर्व मनाया जाता है और इगास को बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। इसके पीछे जो पहली मान्यता है वो ये है कि ये माना जाता है कि जब श्री राम अयोध्या पहुंच गए और इसकी जो खबर थी उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो राम वन से वापस आ गए हैं, ये जानकारी मिलने में 11 दिन लगे। और देखिए मनोज तिवारी इस वक्त मंच पर दिख रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। एक औरत जो घास काट रही है, वो अपनी गांव की माता से प्रार्थना करती है, दूर कहीं वो बांसुरी की आवाज सुनती है, तो वो अपनी गांव की माँ से कहती है कि माँ, हमारे पति को जो सेना में लड़ रहे हैं उनको शक्ति देना और सकुशल घर लौटा के लाना, ये भाव है गढ़वाली का, आप सबको अच्छा लगेगा। ओ तेरे बाजे मुरली, तेरे बाजे मुरली बैणा, ऊंची ऊंची डालू मां, तेरे बाजे मुरली बैणा, ऊंची ऊंची डालू मां, चिड़ी है कलेजी मेरी तू देख मान मां, चिड़ी है कलेजी मेरी तू देख मान मां, केले बाजे मोरोली बैणा, ऊंची ऊंची डालू मां, कहीं बाजी बोलूंगी बेटा, ऊंची ऊंची डालू मां, कहीं बाजी बोलूंगी बेटा, ऊंची ऊंची डालू मां, मुरली कसोर सोनी दिया मोरी है रो, मुरली के सोर सोनी दिया हरी है रो, को पापी रमेरो बड़ा मन दुखे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।